नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? एक महीने पहले ये सवाल जब मैंने आप लोगों से पूछा था, जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को शॉकिंग लगा था। लेकिन किसी भी सच्चे देशभक्त के लिए जो सही मायनों में देश की परवाह करता है, उसके लिए सवाल बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को डाउट हुआ था कि क्या सही में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी के अनुसार अपॉइंट किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की खबरों को टीवी चैनलों से और अखबारों से गायब कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा चुका है, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे। सालों पुराने केसेस को लेकर इलेक्शन से एकदम पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन पर 1700 करोड़ का फाइन लगा दिया। रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड़ का फाइन लगा दिया। देश भर से खबरें आ रही हैं कि कैसे ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स डिक्लेयर होते ही उन पर ईडी और आईटी के नोटिसेस आ जा रहे हैं, और कांग्रेस का तो ये तक कहना है कि उन्हें अखबारों में पेड एडवर्टाइजमेंट्स छापने तक नहीं दिया जा रहा। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया। ये क्या हो रहा है देश में? क्या इस तरीके से इलेक्शंस लड़ी जाएंगी? हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। और कुछ लोग जिन्हें अभी भी लगता है कि डेमोक्रेसी सुरक्षित है देश में अभी भी, या फिर जिन्हें लगता है कि तानाशाही अच्छी चीज होगी देश के लिए, इनके सवालों को भी आंसर करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, इसलिए जो होली डिस्काउंट, शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से। ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो, और वो भी तब जब कोर्ट में कोई गुनाह साबित तक नहीं हुआ। इससे पहले दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया था, आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह को अरेस्ट किया था, और ये सब लोग आज भी जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया को 1 साल से ऊपर होने को हो रहा है, और सत्येंद्र जैन को तो 2 साल होने को हो रहे हैं जेल में बंद रहे। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी का भी गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। ईडी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई इन एक्सचेंज ऑफ अनड्यू बेनिफिट्स दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के तहत। लेकिन पार्टी की पॉलिटिशियन आतिशी कहती है कि 2 साल से ईडी और सीबीआई इस केस को इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं, 500 से ज्यादा रेड कर चुके हैं, 1000 से ज्यादा विटनेसेस ला चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी सबूत इन्हें नहीं मिला इस चीज का जो साबित कर पाए कि आम आदमी पार्टी या इनके मिनिस्टर्स ने कुछ गलत किया हो। मनीष सिसोदिया के लॉयर ने यही चीज बताने की कोशिश करी थी दिल्ली हाई कोर्ट को कि यहाँ पर कोई मनी ट्रेल नहीं है, इनफैक्ट इस पॉलिसी से देश की जनता को फायदा हुआ क्योंकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया था इस पॉलिसी की वजह से, जिसको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई सबूत ही नहीं है तो कोर्ट इन्हें बेल क्यों नहीं दे रहा? इसके पीछे कारण है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कानून। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 2018 में जो इस कानून में अमेंडमेंट करी गई थी मोदी सरकार के द्वारा, इस अमेंडमेंट में सरकार ने बेल की कंडीशन बदल दी, बेल लेने को और मुश्किल बना दिया। बाकी कानूनों में क्या होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बेल मिलना आपका अधिकार कंसीडर किया जाता है। लेकिन पीएमएलए में अब क्या हो गया है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, आपको तब तक बेल नहीं मिलेगी जब तक आप अपने आप को इनोसेंट ना साबित करो। इसी 2018 की अमेंडमेंट में ईडी को और ताकत भी दे दी गई थी। इन चीजों को अरविंद केजरीवाल ने खुद भी एक्सप्लेन किया था अपनी अरेस्ट से पहले। ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को? अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर FIR होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। लेकिन बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के इस अरेस्ट के पीछे एक इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का भी कनेक्शन। कोर्ट में जो हियरिंग हुई उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल को 4 लोगों की स्टेटमेंट्स के बल पर अरेस्ट किया ईडी ने। उनमें से एक इंसान है शरत चंद्र रेड्डी, जो कि अरविंदो फार्मा कंपनी के हेड है। 9 नवंबर 2022 की बात है कि ईडी ने रेड्डी को बुलाया था पूछताछ के लिए इस एलेजेड लिकर स्कैम के केस में। उन्हें जो स्टेटमेंट दी उस दिन वो केजरीवाल के फेवर में थी, लेकिन अगले ही दिन 10 नवंबर 2022 को ईडी इन्हें अरेस्ट कर लेती है। इनके अरेस्ट होने के सिर्फ 5 दिन बाद इनकी कंपनी अरविंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए का चंदा डोनेट किया बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। ये चीज हम जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा को देखकर। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये करीब 6 महीने तक जेल में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि इन्होंने 9 अलग-अलग स्टेटमेंट्स दी इस 6 महीने के पीरियड में, जो कि सारी स्टेटमेंट्स केजरीवाल के फेवर में थी। उसकी अरेस्ट हुई
उसके बाद उसके 9 स्टेटमेंट्स होते हैं, मैं 9 स्टेटमेंट्स वो मेरे खिलाफ नहीं बोलता। उसके बाद 6 महीने उसको अरेस्ट करने के बाद 25 अप्रैल को वो टूट जाता है। लेकिन 25 अप्रैल 2023 को 6 महीने जेल में रहने के बाद अगली स्टेटमेंट जो देते हैं वो केजरीवाल के खिलाफ होती है। अगले ही महीने मई 2023 को ईडी इन्हें बेल दे देती है और जून 2023 में ये ईडी के अप्रूवर बन जाते हैं इस केस में। और बेल मिलने के करीब 6 महीने बाद इनकी कंपनी 25 करोड़ रुपए की और डोनेशन करती है बीजेपी को। अब देख रहे हो दोस्तों किस लेवल का खेल खेला जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा हमें बताता है कि टोटल में इनकी कंपनी ने 52 करोड़ रुपीस की बॉन्ड्स खरीदी थी, जिनमें से 2/3 करीब 34 करोड़ रुपीस बीजेपी के पास गई, 15 करोड़ बीआरएस के पास और 2.5 करोड़ टीडीपी के पास। यही कारण कि आतिशी ने कहा कि इस एलिजिड लीकर स्कैम का जो मनी ट्रेल है वो आम आदमी पार्टी के पास नहीं बल्कि बीजेपी के पास जाता है। ये है मनी ट्रेल, शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। जो बाकी 3 लोग हैं जिनकी स्टेटमेंट्स की वजह से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, उनकी कहानियों में भी ऐसी ही क्रोनोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगी। शायद यही कारण कि अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक समन्स मिस किए जा रहे थे ईडी के, और उन्होंने ईडी के इन सारे समन्स को इलीगल ठहराया। उनके अनुसार ईडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्हें किसी भी बहाने से अरेस्ट करना था, जिससे कि पार्टी को खत्म किया जा सके और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराया जा सके। एक 8 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग है इस केस की, जब अरविंद केजरीवाल खुद को कोर्ट में डिफेंड कर रहे थे। अगर आप वो सुनना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर रिएक्ट करते हुए कांग्रेस पॉलिटिशियन राहुल गांधी ने कहा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है, ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना और अब तो चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ अलग तरीकों से खत्म करने की कोशिश करी जा रही है और ये कोशिश भी कई महीनों से जारी है। पिछले साल अगस्त के महीने में राहुल गांधी पर एक बहुत ही अजीबोगरीब डिफेमेशन केस किया गया, जिसके जरिए उन्हें डिस्क्वालिफाई करने की कोशिश करी गई थी। इस केस की मैंने डिटेल में इस वीडियो में बात करी थी, जिसमें सूरत के कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई राहुल गांधी को। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे होने से रोक दिया, नहीं तो आज के दिन देश की 2 सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज के टॉप लीडर्स जेल में होते। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, कांग्रेस का दावा है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण दिया जा रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि कांग्रेस ने अपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए थे डेडलाइन के टाइम पर। इसके अलावा एक 31 साल पुराना केस कांग्रेस का खोला जा रहा है 1993-1994 का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि वहां पर कुछ हुआ था उस समय पर, अब हम उसका पीनल चार्जेस मांगते हैं। और 29 मार्च को आईटी डिपार्टमेंट ने 1700 करोड़ का नोटिस दिया कांग्रेस पार्टी को। और सेम दिन रिपोर्ट में आया कि कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी आईटी डिपार्टमेंट ने। किस कारण से, क्योंकि उन्होंने पुराना पैन कार्ड यूज किया था। हर एक ऑपोजिशन पार्टी को इसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। इस ट्वीट को देखिए, टीएमसी पार्टी के कैंडिडेट साकेत गोखले ने लिखा कि पिछले 72 घंटे में इन्हें 11 अलग अलग इनकम टैक्स के नोटिस आ गए। कुछ तो 7-7 साल पहले के नोटिस हैं। क्या ऐसे होंगी देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस? हालातों को देखकर इस फिल्म की याद आती है, द डिक्टेटर नाम की एक कॉमेडी फिल्म, जो की एक सटायरिकल कहानी सुनाती है एक फिक्शनल डिक्टेटर की। रेस जीतने के लिए डिक्टेटर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज जो भी ये सब हो रहा है देश में, इसकी खबर दुनिया भर में पहुंच रही है दोस्तों। पहले जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आई, फिर अमेरिका ने स्टेटमेंट दी और अब तो यूनाइटेड नेशंस भी कहने लग रहा है वो उम्मीद करते हैं कि इंडिया में लोग फ्री और फेयर तरीके से वोट कर पाएंगे, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सरकार के इन कारनामों की वजह से दुनिया भर में भारत की रेपुटेशन नीचे गिर रही है। कुछ बीजेपी के पॉलिटिशियंस तो अब ओपनली कह रहे हैं, हम 400 से ज्यादा सीट लाना चाहते हैं ताकि हम देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदल सके। इस खबर को देखो, 27 मार्च को शिवसेना ने अपने पॉलिटिशियन अमोल कीर्तिकर को कैंडिडेट घोषित किया। ये हुआ सुबह के 9 बजे और सिर्फ 1 घंटे बाद 10 बजे इन्हें ईडी का नोटिस आ गया। अमोल कीर्तिकर जी, जैसे उनका नाम घोषित हुआ उनको ईडी का समन्स आया। ये दबाव तंत्र है, ये डराने की कोशिश है। एनसीपी के लीडर प्रफुल्ल पटेल याद है, इन पर एक भारी आरोप लगाया गया था करप्शन केस का बीजेपी के द्वारा। 8 महीने पहले इन्होंने लेकिन अपनी पार्टी तोड़कर बीजेपी की अलायंस ज्वाइन कर ली थी और इसका नतीजा क्या हुआ, 29 मार्च की इस खबर को देखो।
जो भी केस सीबीआई ने चलाया था इनके खिलाफ उसे अब बंद कर दिया गया। अब मोदी सरकार कहती है कि यहाँ कोई करप्शन नहीं था। ऐसे ही बहुत से और केसेस हैं, जैसे कि नवीन जिंदल का केस देखो, ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे, इन पर कोलगेट स्कैम का आरोप लगा था, लेकिन 25 मार्च को ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं और अचानक से इन्हें बीजेपी का टिकट मिल जाता है। ये सब देखने के बाद भी कुछ लोग इतने बेशर्म हैं कि वो फिर भी कहते हैं, अरे अगर ये नहीं तो और कौन। हालत देख रहे हो देश में क्या हो गई है, हालत ये हो गई है कि कोई भी और ऑप्शन यहाँ पर बेहतर है। देश में इलेक्शंस को फेयर तरीके से कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन वहाँ अपनी अलग कहानी चल रही है। 9 मार्च 2024 को इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का कहना था कि उन्होंने ये इस्तीफा दिया क्योंकि हेल्थ कंसर्न्स थे उनको, लेकिन द हिंदू अखबार के अनुसार उनके पास के जो लोग थे उनका कहना है कि एक्चुअली में अरुण गोयल की जो हेल्थ थी वो परफेक्ट थी। कारण इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल के बीच में असहमतियां थी। अब इसके अलावा एक और इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट खाली पड़ी थी। देश में 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनके रेजिग्नेशन के बाद 2 पोस्ट खाली हो गई। 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे अपॉइंट किया जाए और कौन अपॉइंट करेगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मार्च 2023 में 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ऑर्डर किया कि इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए 3 लोगों की कमेटी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन मोदी सरकार करीब 3.5 महीने पहले एक नया कानून लाई यहां पर और कहा कि नहीं, इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस नहीं होंगे, हमारी ही सरकार का यूनियन मिनिस्टर होगा और प्राइम मिनिस्टर होंगे और एक लीडर ऑफ अपोजिशन। सही, इसके अनुसार 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं। 3 लोगों की जो कमेटी बनाई गई उसमें थे प्रधानमंत्री मोदी, दूसरे थे होम मिनिस्टर अमित शाह और तीसरे थे एक ऑपोजिशन पॉलिटिशियन अधीर रंजन चौधरी। लेकिन इस अपॉइंटमेंट के वक्त भी प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक रात पहले उन्हें 212 नामों की लिस्ट दी गई और मीटिंग से एकदम पहले उन्हें 6 नामों की शॉर्टलिस्ट दी गई और उन्हें समय ही नहीं दिया गया जज करने के लिए कि किसे अपॉइंट करना चाहिए, उनका बैकग्राउंड क्या है लोगों का, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनकी इंटीग्रिटी कितनी है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अपनी मर्जी से इन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कंसर्न जरूर एक्सप्रेस किया कि ये गलत है कि इस तरीके से सही डिटेल्स नहीं दिखाई गई, लेकिन उसके अलावा कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोर्ट ने कहा कि बहुत केओस हो जाएगा अगर हम 2 अपॉइंटमेंट्स को रोक दे। तो कौन थे ये 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स जिन्हें अपॉइंट किया गया? पहले थे ज्ञानेश कुमार, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो कि एक्चुअली में 2016 से 21 के बीच में होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करते थे अंडर अमित शाह। दूसरे हैं सुखबीर संधु जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और 2014 से लेकर 2023 के बीच में इन्होंने पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम किया, चेयरपर्सन ऑफ एनएचएआई रहे और चीफ सेक्रेटरी रहे उत्तराखंड के। क्या इन इलेक्शन कमिश्नर्स से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये फेयर तरीके से लोकसभा की इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे? ये टाइम ही बताएगा। अब हमारे देश में अगर कोई इंस्टीट्यूशन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो जिम्मेदारी जुडिशरी पर आती है, लेकिन देश के कोर्ट्स में भी जो कहानी चल रही है वो भी ज्यादा अलग नहीं है। 8 मार्च को एक बहुत ही शॉकिंग केस देखने को मिला। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपनी पोजिशन से रिजाइन कर दिया और कुछ ही दिनों बाद फॉर्मली भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इन्होंने खुद एडमिट किया कि रेजिग्नेशन से पहले ही इन्होंने बीजेपी को अप्रोच किया था और एक रीसेंट इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि इन्हें बड़ी मुश्किल होती है गांधी और गोडसे के बीच चुनने में। ऐसे जजेस अगर पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो क्या हमारी जुडिशरी को आजाद कहा भी जा सकता है? आप ही बताइए। कोर्ट कचेरी के सिस्टम में अक्सर एक बात बार बार दोहराई जाती है, बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। इसका मतलब है कि बेल मिलना अधिकार है लोगों का, लेकिन आज के दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जेल रूल बनता जा रहा है। लोअर कोर्ट्स के जजेस बेल देने से झिझक रहे हैं। एडवोकेट दुष्यंत दवे के अनुसार जजेस पर प्रेशर है, एक डर का माहौल है, जजेस को अपनी फैमिलीज की चिंता होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर देश में हालत सही में इतनी बुरी है तो मैं ये वीडियो कैसे बना पा रहा, अगर देश सही में डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है तो मेरा मुंह बंद कैसे नहीं कराया गया अभी तक? अगर लोकतंत्र खत्म हो जाए तो ऐसी चीज चल ही नहीं सकती है यहाँ पे। द प्रिंट के शेखर गुप्ता ने भी यही आर्ग्यूमेंट उठाया था मेरे पिछले वीडियो के बाद। इन सब लोगों के लिए मेरा एक सवाल है, स्क्रीन पर इस वीडियो को देखो और मुझे बताओ कि ये गाड़ी टूटी हुई है या सही सलामत है। अब कोई भी नॉर्मल इंसान कहेगा ऑब्वियसली भाई टूटी हुई गाड़ी है, लेकिन शेखर गुप्ता का लॉजिक अगर यहाँ इस्तेमाल किया जाए तो वो कहेंगे देखो गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, गाड़ी चल रही है, इसका मतलब गाड़ी सही सलामत है। कोई सेंस है इस बात का? मेरा मुंह बंद नहीं हुआ अभी तक, इसकी खुशी मना रहे हो, और उनका क्या जिनका मुंह बंद ऑलरेडी कराया जा चुका है? इस न्यूज हेडलाइन को देखिए, 6 लोगों को अरेस्ट किया गया और 100 से ज्यादा FIRs कराई गई सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग पोस्टर चिपका रहे थे मोदी हटाओ देश बचाओ के। लेट पवन जायसवाल पर 4 सेक्शंस के अंडर केसेस फाइल किए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ये रिपोर्ट किया इस स्कूल में मिड डे मील के तौर पर बच्चों को नमक के साथ रोटियां खिलाई जा रही हैं।
ये एक बहुत बड़ी लॉजिकल फैलेसी है जिसे फॉल्स डिलेमा कहा जाता है। चीजों को जबरदस्ती ब्लैक एंड व्हाइट बना देना कि या तो देश एक डेमोक्रेसी है या फिर एक डिक्टेटरशिप है, बीच में कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने कभी नहीं कहा था कि देश ऑलरेडी 100% डिक्टेटरशिप बन गया। मैंने कहा था देश डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है और अभी भी यही कह रहा हूं। ये डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप ये एक स्पेक्ट्रम है, एक स्केल है बहुत बड़ा। अलग अलग तरीके हैं जो डेमोक्रेसी मेजर करने के, वो भी 0 to 10 के बीच में नंबर देते हैं। अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बहुत अच्छी चल रही है देश में डेमोक्रेसी तो फुली फंक्शनल लिबरल डेमोक्रेसी, उसके बाद है वर्किंग डेमोक्रेसी, खराब है डेमोक्रेसी तो फ्लॉड डेमोक्रेसी, उसके बाद डेफिशिएंट डेमोक्रेसी, उसके बाद इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, फिर हाइब्रिड रेजिम और आखिर में अथॉरिटेरियन रेजिम जो एक्चुअल डिक्टेटरशिप। लोगों को अपनी गाड़ी की इतनी चिंता होती है कि एक छोटा सा स्क्रैच या डेंट भी लग जाता है ना, चिल्लाने लग जाते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं। और यहाँ डेमोक्रेसी की गाड़ी पर ऐसे डेंट मारे हैं, इस तरीके से धजियां उड़ा दी गई हैं इस गाड़ी की कि लोग हैरान है देखकर कि गाड़ी अभी भी चल कैसे पा रही है। अगर आप अपने आप को देशभक्त कहते हो और गाड़ी की ये हालत देखकर भी अपनी आवाज नहीं उठाते तो क्या आप देशभक्त कहलाने लायक भी हो? इसी महीने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई स्वीडन के वी डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसने इंडिया को पता है कौन सी कैटेगरी में डाला है? इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डाला है, फुल डिक्टेटरशिप से 2 कदम दूर। इसका मतलब है कि देश में मल्टी पार्टी इलेक्शंस तो हो रही हैं, लेकिन एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है, लोगों की आजादी खत्म करी जा रही है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि मोदी सरकार ने सेडिशन, डिफेमेशन और काउंटर टेररिज्म जैसे कानूनों का इस्तेमाल किया है अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए, और जल्द ही इस लिस्ट में एक और कानून भी ऐड हो सकता है। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 के अंदर नए IT रूल्स लाने की कोशिश करी जा रही है। इसके अनुसार ब्रॉडकास्टिंग की एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन बनाई गई है। जिन जिन लोगों का YouTube चैनल है, Facebook अकाउंट है, Instagram हैंडल है या WhatsApp चैनल भी है, वो सब ब्रॉडकास्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। हर ब्रॉडकास्टर को सरकार के सामने जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा और सरकार की एक सेंट्रल इवैल्यूएशन कमेटी होगी जिसको बहुत ज्यादा पावर्स दी गई हैं। ब्रॉडकास्टर सिर्फ वही वीडियोज या मैसेजेस भेज सकते हैं लोगों को जो इस कमेटी के द्वारा अप्रूव किए गए हों, एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एग्जेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट। इस कानून के तहत सरकार के पास ये भी पावर होगी कि बिना प्रायर नोटिस के वो यूट्यूबर्स की इक्विपमेंट को जाकर सीज कर ले। तो एक बात तो पक्की है कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की आवाज बंद करने की पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है, और जब मेरी आवाज फाइनली पूरी तरीके से बंद हो जाएगी तब क्या जवाब दोगे? तब क्या आर्ग्यूमेंट बचेगा? अरे कोई बोलने वाला ही नहीं बचा। इसका मतलब डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है देश में। और इस गलत फहमी में मत रहना कि भाई मैं तो सरकार का सपोर्टर हूँ, मोदी सपोर्टर हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा। अगर देश डिक्टेटरशिप बन भी जाए तो भी मेरे लिए तो सब अच्छा चलता रहेगा। सोनम वांगचुक भी एक बार ही सरकार को सपोर्ट करते थे जब आर्टिकल 370 हटाया गया था। मेरे ख्याल से ये लद्दाख के लिए बहुत ही खुशी की बात है, उसकी हक थी वो उसे वापस मिला है। लेकिन जब उनके एरिया में कोई प्रॉब्लम आई और उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी, 21 दिन तक अनशन पर बैठने के बावजूद भी सरकार का मुंह नहीं खुला। डिक्टेटरशिप में एक डिक्टेटर सिर्फ अपने अहंकार, अपनी पावर, अपने पैसे से मतलब रखता है, उसे जनता की कोई फिक्र नहीं होती। बहुत से किसान भी सरकार के समर्थक थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें अपनी मांगे रखने का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा, सारा मीडिया उन्हें देशद्रोही करके बदनाम करेगा, तब उन्हें एहसास हुआ कि डिक्टेटरशिप का क्या मतलब हो सकता है। आप एक स्टूडेंट हो, पेपर लीक होता है, चुप बैठे रहो। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आपको आवाज उठानी है, आवाज दबा दी जाएगी। अपनी डेली लाइफ में किसी भी तरीके का ना इंसाफ अगर आप सह रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अपना मुंह बंद करके चुप बैठे रहने के अलावा। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर तो ये चीज हम ऑलरेडी होते हुए देख सकते हैं। अगस्त 2023 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट को बताया कि 9,60,000 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स वेकेंट पड़ी हैं। प्राइवेट जॉब्स की बात करी जाए तो हायरिंग प्लेटफॉर्म इंडीड ने फरवरी के इस साल में बताया कि दिसंबर 2021 से फ्रेशर जॉब पोस्टिंग्स डिक्लाइन होती जा रही हैं। मार्च 2024 की ये रिपोर्ट फ्रंटलाइन की है। IT सेक्टर में भी हायरिंग डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जॉब्स की सिचुएशन इतनी खराब है कि हरियाणा सरकार को 10,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की नौकरियां एडवर्टाइज करनी पड़ी इसराइल में। एक ऐसा देश जो वॉर जोन बना बैठा है, हरियाणा के यूथ को वहां भेजा जा रहा है सरकार के द्वारा। ये हालत है देश में जॉब्स की। और महंगाई की तो क्या ही बात करनी, पेट्रोल का दाम 90 रुपए से लेकर 110 रुपए तक पहुंच चुका है। जनवरी 2024 की रिपोर्ट बताती है कि यूनाइटेड नेशंस का जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन को -10.1% पर डालता है, यानी दुनिया भर में खाने के प्राइसेस कम हो रहे हैं। लेकिन इंडिया में फूड प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन क्या है दिसंबर 2023 की,
9.5% पर। सरकार खुद 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री खाना बांटती है। बताओ क्या जरूरत पड़ी 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना देने की? ये तभी हो सकता है जब इन लोगों के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि भाई तू सिर्फ मोदी सरकार के बारे में क्यों बोल रहा है, बट वॉट अबाउट इंदिरा गांधी डिक्टेटरशिप, वो भी तो डिक्टेटर थी, उनकी उनके डिक्टेटर वाली चीजों के बारे में क्यों नहीं बात करता? ये फिर से एक फालतू का आर्ग्यूमेंट, इसे एक रेड हेरिंग फैलेसी कहा जाता है। क्या मैं जिंदा था उस वक्त जिस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई? नहीं, अगर होता तो मैं यही वीडियोस बना रहा होता। और अभी भी इनफैक्ट मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के ऊपर, बताया है कि कैसे वो डेमोक्रेसी के ऊपर एक काला धब्बा था। लेकिन कल की प्रॉब्लम्स गिनाकर आज की प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो जाएंगी। उस वक्त जो हुआ वो बहुत गलत था और इस वक्त जो हो रहा है वो भी बहुत गलत है। उस वक्त कुछ लोगों के बहादुर संघर्ष की वजह से डेमोक्रेसी को बचा लिया गया देश में, लेकिन आज कौन बचाएगा देश को? मीडिया को खरीदा जा चुका है, हर इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ऑपोजिशन लीडर्स का अरेस्ट किया जा चुका है, बचा कौन? बचे हम लोग, देश के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हैं आखिरी उम्मीद। जैसे इमरजेंसी के समय में लोगों ने भारी संख्या में अपनी आवाज उठाई थी और उसके बाद जो इलेक्शन हुई उसमें इंदिरा गांधी को हरा दिया था, उसी जज्बे से आज देश की जनता को इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आप भारत माता की जय कहते हो तो भारत माता को बचाने के लिए तैयार भी रहो। अगर गांधी जी, भगत सिंह, नेताजी बोस की रिस्पेक्ट करते हो तो उनके जैसा जज्बा भी लेकर आओ। जो आजादी उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर दिलवाई है, उस आजादी की रक्षा करना, इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना हमारा धर्म है। इस वीडियो को देखने वाला हर एक इंसान अब से अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक समझे, ये जिम्मेदारी अब हम सबकी है। स्टेप वन, अपनी आवाज उठाइए। एक एक आवाज से फर्क पड़ता है। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो इस वीडियो को 100 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, इंडिविजुअली फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। हमारा मिशन है इस खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, देश के हर एक वोटर तक पहुंचाना। स्टेप टू, वोट करना मत भूलिए। इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा क्योंकि एक एक वोट से फर्क पड़ता है। चेक कीजिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कब है वोटिंग। अगर आप देश के बाहर होंगे तो आ जाइए वोट करने, क्योंकि इस बार सब कुछ दांव पर है। इस लिंक पर जाइए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चेक करने के लिए कि आप वोटिंग के लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आता इसका मतलब आप वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। वोटर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए इस लिंक पर जाइए, ये भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप थ्री, अपने आसपास लोगों तक बात पहुंचाइए। क्या आप जानते हैं देश में 30-35% एलिजिबल वोटर्स वोट डालने ही नहीं जाते। अपने परिवार में लोगों को कन्विंस कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने मोहल्ले में लोगों को कन्विंस कीजिए। जिस दुकानदार के पास जाकर आप रोज सब्जी खरीदते हैं, जिस धोबी से कपड़े प्रेस करवाते हैं, जो हाउस हेल्पर आपके घर में आते हैं, कितने लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं और देश की इस इमरजेंसी सिचुएशन की खबर उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें कन्विंस कर सकते हैं वोट करने के लिए। ये मत सोचना कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। जैसा कृष्ण गीता में कहते हैं, फल की चिंता मत करो, जो तुम्हारा कर्म है वो कर्म करो। इस वीडियो को देखने वाला अगर हर एक इंसान बस ये ठान ले कि अगले 20 दिन तक मैं रोज 5 लोगों को जाकर इसके बारे में बताऊंगा, उसी से ही काम बन जाएगा। हम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस YouTube चैनल से जुड़े हुए। एक इंसान को सिर्फ 100 लोगों को रीच आउट करना है और इस तरीके से हम देश के कोने कोने तक सारे 100 करोड़ एलिजिबल वोटर्स को रीच आउट कर सकते हैं। और स्टेप 4, ये सब करना है खुशी से, हंसते हुए और प्यार फैलाते हुए। जोर से हंसना ताकि आपकी हंसी तानाशाह के अहंकार को डुबा दे। प्यार का दरिया बहाना है जिससे नफरत और अविश्वास का सब कीचड़ हट जाए। तो इन 4 चीजों को याद रखना, अपनी आवाज उठानी है, वोट करना है, दूसरों को वोट करवाना है और हंसना और प्यार फैलाना है। बस इतनी सी जरूरत है, हम देश को बचा सकते हैं, हम देश को बचाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद।